कैप्टन बाबा साहेब माने अध्यक्ष हिंदी विभाग श्री शिव छत्रपति महाविद्यालय जुन्नर जिला पुणे। मैं आज आपके सम्मुख एक मेरी रचना लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। यह रचना जब मैं सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे में एमए का अध्ययन कर रहा था उस समय यह रचना मैंने लिखी थी। इस रचना का शीर्षक है आजकल। इस रचना को आरंभ करने से पूर्व मैं संक्षिप्त में इसकी पृष्ठभूमि आपको बता देता हूँ कि यह रचना उन लोगों को ध्यान में रखकर लिखी गई है कि जो लोग ज्ञान कम होते हुए भी अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के लिए तरह तरह के कपड़ों से सजते हैं, ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, विद्वान के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं अथवा समझते हैं, ऐसे लोगों के प्रति कटाक्ष करते हुए यह रचना मैंने एमए का अध्ययन करते समय लिखी है और उस रचना का शीर्षक है आजकल। तो उस रचना को मैं आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। रचना का शीर्षक है आजकल। आजकल गधे भी पहनते हैं कोट, कौवे भी मांगते हैं वोट। आजकल गधे भी पहनते हैं कोट, कौवे भी मांगते हैं वोट। अगली बार फिर जीतेंगे, खरीद कर वोट देकर नोट, खरीद कर वोट देकर नोट। आजकल गधे भी पहनते हैं कोट, कौवे भी मांगते हैं वोट। अगली बार फिर जीतेंगे, खरीद कर वोट देकर नोट, खरीद कर वोट देकर नोट। खेलते हैं खेल राजनीति का, खेलते हैं खेल राजनीति का, बहाकर खून गरीबों का। खेलते हैं खेल राजनीति का, बहाकर खून गरीबों का। बहती खून की नदी को देख हंसकर होते हैं दो कोट। आजकल गधे भी पहनते हैं कोट, कौवे भी मांगते हैं वोट। अगली बार फिर जीतेंगे, खरीद कर वोट देकर नोट, खरीद कर वोट देकर नोट। बनी खून पसीना बहाकर, बनी खून पसीना बहाकर, माता बहनों के हाथ जलाकर। बनी खून पसीना बहाकर, माता बहनों के हाथ जलाकर। छत पर रखी रोटी पर भी इनके मन में आती है खोट। आजकल गधे भी पहनते हैं कोट, कौवे भी मांगते हैं वोट। अगली बार फिर जीतेंगे, खरीद कर वोट देकर नोट, खरीद कर वोट देकर नोट। पशु पक्षी सभी एक जैसे। अभी यहाँ पर उन लोगों को पशु पक्षियों की उपमा मैंने दी। पशु पक्षी सभी एक जैसे, करते हैं काम अनेक ऐसे। पशु पक्षी सभी एक जैसे, करते हैं काम अनेक ऐसे। अपने स्वार्थ में अंधे होकर भूखे प्राणी पर करते हैं चोट। अपने स्वार्थ में अंधे होकर भूखे प्राणी पर करते हैं चोट। आजकल गधे भी पहनते हैं कोट, कौवे भी मांगते हैं वोट। अगली बार फिर जीतेंगे, खरीद कर वोट देकर नोट, खरीद कर वोट देकर। यहाँ पर भूखे प्राणी का अर्थ आप ग्रहण कर सकते हैं, भूखे प्राणी पर यानी जनता पर। जनता तरस रही है दाने दाने के लिए और उसी जनता का शोषण ऐसे लोग करते हैं। उन्हीं दर्शकों का, उन्हीं श्रोताओं का, उन्हीं छात्रों का, उन्हीं सामान्य मजदूरों का ये लोग शोषण करते हैं। इसी तरह की इस घड़ी के अंतर्गत भावनाएं उस वक्त मैंने भरी थी जो आज आपके सम्मुख मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिर कविता की अंतिम कड़ी इस प्रकार से है। कहते हैं दोनों आजकल, कहते हैं दोनों आजकल, हमने दी स्वतंत्रता सभी। कहते हैं दोनों आजकल, हमने दी स्वतंत्रता सभी, मगर अन्न नहीं अभी, यह आंधी तूफान झेल कर भी। यह आंधी तूफान झेल कर भी चलती है भारत की बोट। आजकल गधे भी पहनते हैं कोट, कौवे भी मांगते हैं वोट। अगली बार फिर जीतेंगे, खरीद कर वोट देकर नोट, खरीद कर वोट देकर। यहाँ पर ये कविता समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये मेरी कविता अच्छी लगे तो एक लाइक तथा शेयर जरूर कर देना, और अगर कोई आप अपना मत मेरे पास भेजना चाहते हैं तो सहर्ष स्वागत है। आप निश्चिंत होकर मुझे इस कविता के बारे में अपनी राय अथवा अपना मत भेज सकते हैं। धन्यवाद।